हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजंता अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ, देखो पेयर मतलब दो जोड़े हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, ऑड पॉजिटिव आप जानते ही हो, प्लस वन थ्री फाइव लाइक डेट ऑड नंबर। और सबसे पहले यहाँ आपको लगातार कंसेक्यूटिव नंबर लेना, तो मैं पहले लेट कर बताता हूँ आपको। अगर एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस टू होगा। क्यों होगा? देखो एक्स की वैल्यू रखो वन, यहाँ वन रखो, वन प्लस टू कितना हुआ, थ्री। हो रहा नहीं हो रहा ऑड नंबर? हाँ हो रहा है। सबसे लेट करते हैं हम एक्स बी एन स्मॉलर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट एक्स बी एन कटा वाला एक्स बी एन स्मॉलर ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन इज, दूसरा कितना है आपका, एक्स प्लस टू हो जाओ हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ सर, यहां तक तो आ गया, एक्स प्लस टू हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, एक एक्स हो गया, एक एक्स प्लस टू हो गया। हाँ सर हो गया। अब ये बोल रहा है दोनों ही नंबर जो है वो स्मॉलर देन टेन है, तो अगर ये एक्स प्लस टू है, ये स्मॉलर देन टेन हुआ, तो ये टू वहां जाएगा, टेन माइनस टू होगा, तो एक्स जो है वो एट से लेस देन होना चाहिए, ये कंडीशन निकल कर आ गई। हाँ सर, ये समझ में आ गया हमको। अगला देखो मेरी बात सुनो, अभी ये बोल रहा है एंड देयर सम इज मोर देन हंड्रेड, उनका जो सम होगा ना, मतलब एक्स का सम और एक्स प्लस टू का सम, वो इज मोर देन इलेवन है। इज मोर देन क्या है, इलेवन है। इन दोनों का सम मोर देन क्या है, इज इलेवन है। ठीक है सर, जोड़ो, टू एक्स है, इलेवन माइनस टू उधर भेजो, टू एक्स इलेवन में से टू किया तो कितना होगा, नाइन हो जाएगा, टू नीचे जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, नाइन बाय टू हो गया, काटेंगे तो 4.5 निकलेगा। क्लियर है? क्लियर। अब देखो मेरी बात सुन लो, यहाँ हमारे पास निकला एक्स इज ग्रेटर देन 4.5, एक्स की जो वैल्यू है 4.5 यानी कि 9/2 से क्या है, बड़ी वैल्यूज है। 9/4.5 से क्या है, बड़ी वैल्यूज है। अब जैसे मैंने एक वैल्यू एक्स की वैल्यूज क्या ली है, मैंने पास यहाँ मैंने एक्स की वैल्यूज ले ली है, एक्स की वैल्यूज मैंने ले ली यहाँ पे, जैसे 4.5 से बड़ा क्या हो गया, ऑड नंबर पूछ रहा हूँ मैं, पहले 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं जा सकता। 9 क्या हो जाएगा अपने पास, 8 से लेस देन लेने हैं आपको वैल्यूज, क्या लेने हैं, 8 से लेस देन लेने हैं। आपके पास जो ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, वो क्या बनेंगे, देखो अगर मैंने एक पेयर फाइव लिया तो अगला क्या हो गया, फाइव प्लस टू कितना होना चाहिए सर, सेवन हो जाएगा। ये तो अगला, अगर मैंने सेवन लिया तो सेवन प्लस टू कितना हो जाएगा सर, नाइन हो जाएगा। अब देखो ये लेस देन टेन है ना, हाँ ये लेस देन टेन है। बताओ ये चीज क्लियर होगी क्या? बिल्कुल, ये हो गया आपका एग्जैक्टली। मैं इसके अंदर अगली वैल्यू नहीं रख सकता वरना वो और बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये दो पेयर बनेंगे आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के। कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।